क्या हुआ जोहेब? अरे आपके मिट्टी को आपने खाना डाले? हाँ खाने डाले। क्यों? अरे हाँ मैं खाने डाले और चाबी का। अच्छा आप मछली को खाना क्यों डाल रहे हैं? भूख लगी? हाँ अच्छी भूख लगी। अच्छा आपको बोली मछली ने? हाँ। क्या बोली आपको फिश ने? अच्छी भूख लगी। अच्छा अस्सलामु अलैकुम। आज दिन है संडे का और यहाँ पर जो है ना हिमाद और जोहेब अभी जस्ट लेटे हैं। मैं इनको बोल रही हूँ जिदान के हुजैफा के बाजू में लेटो मत, अदरवाइज तो लोगों को ना वो नहला देगा। आजकल आजकल हुजैफा का यही काम है, जो उनके आसपास में होता है ना उनको शावर मिलता है। और ये नहीं बदतमीजी नहीं करते और ये ना स्पेशल वाला शावर होता है। अभी मैंने इन्हें सॉरी अभी मैंने इन्हें ना डायपर पहनाया था, कल डॉक्टर आए थे। ठंड आजकल ना बहुत ज्यादा है तो पूरे फेस का हाल खराब हो रहा। क्या हो रहा जोहेब? आपको भी चाहिए? ये लो बोल रहे मेरे क्या कर रहे मेरे को छोड़ कर। ठीक है बस। हाँ। क्या हुआ हुजैफा? तो कल आए थे डॉक्टर इनकी पट्टी करने के लिए, तो इनकी पट्टी निकल गई है। यहाँ पे पट्टी लगा दें, हिमाचल के टाइम पर तो पट्टी लगी नहीं थी, तो पट्टी करके वो चले गए हैं। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजैफा ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिमाग ना चल ही नहीं रहा है, मतलब मेरा दिमाग ना मतलब ऐसे होके रह गया है कि मुझे बस यही काम करना है कि हुजैफा को देखना है, बाकी मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है। सुबह से जो है ना मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए, मतलब कुछ काम करने में जाती हूँ फिर ख्याल आता है हुजैफा का, फिर वापस आ जाती हूँ, और बहुत सारे काम हैं। और कल जो है ना हिमाद के स्कूल में क्रिसमस पार्टी थी और हम लोगों को पता नहीं था कि इनके स्कूल में जो है ना क्रिसमस की छुट्टियाँ मिलने वाली, मतलब ये पता था कि क्रिसमस की छुट्टी मिलेगी तो एक दिन की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना 4 से 5 दिन की छुट्टी मिल गई है। तो भी हस्बैंड बोल रहे हैं कि उनको मतलब उनके पास भी थोड़ा सा टाइम है तो गाँव जाते हैं और जो हमारा पेंडिंग काम है वो करके आते हैं, मतलब हस्बैंड का कुछ काम है वो करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि चलो ठीक है मैं अभी चलती हूँ, फिर मैं यहाँ पे अकेले रह के ना परेशान हो जाऊँगी, वैसे ही हुजैफा की वजह से मैं परेशान हूँ। मतलब मेरा दिल सब दिमाग सब उन्हीं में लगा रहता है कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, उनका ज़ख्म ठीक हो जाए, उसके बाद जो है ना फिर हम अपने दूसरे काम में लगेंगे। तो ऐसे चल रहा है। और सुबह से मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो मैंने सुबह से कुछ नहीं किया है, खाना भी जो है ना मैंने कल रात को जो सालन बनाया था, रात का सालन और चावल मैंने खाया और पराठा मैंने गर्म कर लिया था बच्चों ने और मैंने वही खाया है। हस्बैंड तो सुबह जल्दी चले गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया गाँव जाने की हमारी तैयारी चल रही है, तो उनके जो पेंडिंग काम जल्दी थे, नहीं थोड़ा लेट गए थे। हाँ लेट नहीं जल्दी ही गए थे, मतलब वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए लेट है लेकिन जल्दी गए थे। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं अभी जा रही थी थोड़ा सा अपना काम निपटाने के लिए, और मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है कि मेरा काम शुरू हो जाए, एटलीस्ट ब्लॉग की वजह से मैं काम कर लूँ, क्योंकि मेरा मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा है, मतलब दिमाग ये बोल ही नहीं रहा है कि तुम जाओ और काम करो। तो सुबह से सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, कपड़े जो है ना वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, मुझे कपड़े सुखाना है और यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं इनको मुझे फोल्ड करना है और प्लस पैकिंग करना है। हस्बैंड ने फोन भी लगाया था कि पैकिंग किया है क्या, लेकिन मैंने नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है। कपड़े में सुखा दूंगा? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं तुम कपड़े नहीं आएगा, नहीं मैं फोल्ड कर लूंगी, बस मैं थोड़ी सी ना चाय पी लेती हूँ और अभी मैं भी कुछ काम करूंगा। हाँ कर लेना। मैंने अभी डायपर निकाला है, कल जो डॉक्टर आए थे ना उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा जो बड़े साइज का डायपर आता है ना वो पहना देना, और जब हम लोग हॉस्पिटल में थे ना वहाँ पे भी एक लेडी ने बताया था कि आप बड़े साइज का डायपर पहना सकते हैं, जो टेप वाला आता है ना उस तरह वाला। हाँ मेरा कपड़े पहने टेप वाला आप पहना सकते हो, एक साइड से खुला रखना और एक साइड से टेप लगा देना। तो मैंने वैसे करके जो है ना रात को इनको पहनाया था, और अभी भी जो है ना जब ये सो गए थे ना नहाने के बाद में थोड़ा सा ये 4-5 घंटे के लिए अच्छे से सो जाते हैं। हिमाद आवाज नहीं थोड़ा रुको, हिमाद रुको बात करने दो, तो ये सो जाते हैं। तो इन्हें मैंने पहना डाल दिया है, तो चलिए थोड़ी देर पहले चाय पियूंगी उसके बाद हम अपना काम करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े सुखाने के लिए, कोई नहीं सुखा रहा। ये देखो जो है भी जा रहे हैं, मेरे को भी आना है, तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले। हिमाद हिमाद को ना कुछ काम करना है, तो मैं बोल रही हूँ कि जो पड़ा हुआ है ना सामान सब ये बसेस वगैरह पड़ी हुई है, ये गाड़ियां पड़ी हुई है, सारा उठा के रख दो। नहीं मुझे तुम्हारे काम, ये मेरा काम है, ये सब मुझे उठा के रखना पड़ता। चलो उठाओ हिमाद, बसेस ना खराब होती ना हिमाद,
ए पूरा गाड़िया घर में रख रहे, अल्लाह तोबा, ये लोग ना सारे गाड़िया गाड़िया कर रहे हैं। तोबा मेरा दूध गया, तोबा 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 दूध मेरा बॉयल हो गया। किचन में भी गाड़ी पड़ी हुई है। हाँ किचन में भी एक स्कूटर है। तो चलिए मैं चाय छान लेती हूँ, चाय हो गई है और प्लस दूध भी बॉयल हो गया है। ठीक है दूध बॉयल हो गया है, वैसे मुझे यहाँ का वॉश करना है। और उज़ैफा का ना मैंने यहाँ पे सुलाया है क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना उन्हें वहाँ खेलना होता है, फिर वो रोते नहीं। तो ज़ोहेब आपकी गाड़ी हो यहाँ क्यों खड़ी है? नहीं गाड़ी का पाप करना। अच्छा क्या किया आपने? इधर आओ इधर आओ इधर आओ जल्दी आओ। हाँ क्या किया आपने? मैं गाड़ी का पार्किंग लगाए। पार्किंग लगाए, चलो पैसे दो जल्दी से। ले लो पैसे। गाड़ी पार्किंग में लगा के गए। देखिए पार्किंग, ये देखिए ये हमारी पार्किंग है, यहाँ पे हमारी गाड़ी लगती है। चलो बस लेके जाओ, चलो बालकनी में रखो। जो है बोल रहे हैं मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा के गया हूँ। मैंने चाय ले ली है और चाय भी। मैंने चाय। हाँ नहीं भाई चाय बेटा गिर गई है, तुम अभी चाय भी नहीं मिलता हो। जो है कभी कभी लगती है चाय की। हेमान बोलना आएंगे 15-20 मिनट में। और अभी ना हाँ संडे है। हाँ करेटा नहीं आएंगे अभी ना। मैं देखिए कहाँ पे बैठ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ यहाँ पर और उज़ैफा को मैंने यहाँ पर सुलाया है और मैं यहाँ पे बैठ के चाय दूर बैठेंगे। नहीं तो फिर हमारे चाय में शावर आएगा, शावर। चलिए अब आएगा चाय पीने के लिए। इधर मेरी जो है अब वापस गाड़ी लेके आए। हाँ वापस गाड़ी लेके आए। देखो ये चाय दे गाड़ी। गाड़ी क्या हुआ मम्मा? गाड़ी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ गाड़ी को। देखो मैं चलाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? जो पार्किंग में लगा के हो, जो हटो इमान हटो पार्किंग में लगा के हो गाड़ी को जो। तो अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए 8 बज रहे हैं। टाइम दिख रहा है आप लोगों को? देखिए 8 बज रहे हैं और मैं ना हुज़ैफ़ा को लेकर बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब चिन 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 चल रहा था उनका, तो इसलिए लेकर बैठी थी। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। तो एक फ़ोन आ रहा था तो मैंने जो टेलर को कपड़े दिए थे ना उसको मैंने फ़ोन लगाया था, लेकिन मेरा टेलर जो है ना क्या बोलूँ वो कभी टाइम पे कपड़े देता ही नहीं बेचारा। तो मैं जा रही थी किचन साफ करने के लिए, बर्तन वॉश कर रहा हूँ, फटाफट मुझे खाना बनाना है और मैंने सारे ना कपड़े फोल्ड कर दिए हैं और जो लेके जाने वाले कपड़े हैं ना वो भी मैंने निकाल के रखे हैं, बस मुझे उन्हें प्रेस करके बैग में डालना है। और ज़ोहेब सो रहे हैं और हिमाद गए हैं बाहर खेलने के लिए और हुज़ैफ़ा अभी थोड़ा सा शांत है, सो नहीं रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ना शांत बैठ के, मतलब शांत लेट के ऐसी अपनी मस्ती में है वो। देखते हैं अगर बैठते हैं तो अच्छी बात है, मेरा काम हो जाएगा वरना फिर मेरा पकाना भी रह जाएगा और मुझे पैकिंग भी करना है, अभी तक मैंने कुछ पैकिंग नहीं की है। तो पैकिंग करना है,
खाना बनाना है और बर्तन धोना है, किचन साफ करना है। बस मैंने थोड़ा सा हॉल साफ कर लिया था, तो खैर चलिए फटाफट कर लेते हैं। और खाने में बनाऊंगी कीमा, जो मैं बहुत ही ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाना हो ना तो आप बना सकते हैं, मतलब झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए फटाफट पहले मैं ना यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है ना मैं बात करती हूँ एक कमेंट की। लास्ट व्लॉग में शायद मैंने कहीं जो है ना मेरे हस्बैंड को बाबू बोल दिया होगा, तो वहाँ पे जो है ना मुझे कमेंट आया था कि मैं नाजिया शेख की कॉपी कर रही हूँ बाबू बोल के। तो बाबू, मैं आपको ना बाबू ये लोग बोल रहे हैं कि नाजिया शेख को कॉपी करके बोल रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी को 10 साल हुए और मेरे हस्बैंड साथ में हैं, तो वो हंस रहे हैं सुन के। तो मेरी जब से शादी है तब से मैं इनको बाबू बोलती हूँ। शुरुआत में जो है ना मेरे जो भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता था, तो वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। उसके बाद में जो है ना ये एक ट्रेंड बन गया था बाबू बोलना, बाबू शोना, बाबू शोना ऐसा कुछ चल रहा था ना। उसके बाद में जो है ना लोगों ने बाबू बोलना स्टार्ट किया था लोगों को, तो ऐसे था। तो मैं बाबू, मेरी जब से शादी हुई तब से ही बोलती हूँ। मेरे जो है ना पूरी ससुराल वाली फैमिली को सबको पता है कि मैं बाबू बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को। तो आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। हम किसी को कॉपी करके नहीं जीते भाई, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। किसी को कॉपी करके कोई आगे नहीं बढ़ता है आज, है ना। अपने हिसाब से जिएंगे तो ही अपनी लाइफ अच्छी चलती है, तो मुझे किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, नहीं फटाफट जो है ना यहाँ की हम क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। अभी हम जाने वाले हैं गाँव, तो चलिए जाके आगे का वीडियो देखते हैं। तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड कमेंट भी कर दे रहना। बोले थे मिका भूख लगी। क्या और आपको? मिका भूख लग रही। हाँ। अच्छा जोहेब को भूख लग रही। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है जोहेब मुझे बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे भूख लग रही। तो मैंने अभी ने फीडर दिया है और ये ना एक टाइम पी लेते हैं, मतलब दिन में कोई ना कोई एक टाइम ये पी लेते हैं। अभी सुबह से जो है ना नहीं पिए हैं, तो अभी मैंने इनको दे दिया है। और अभी बर्तन मेरे धुल गए हैं, फटाफट जो है मैं यहाँ से सारा क्लीन कर लूँगी। तो चलिए मैंने ना आटा भी गूंद लिया है, चावल मैंने भिगोया है, चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी और सालन मेरा बन गया है। आपको बताती हूँ कि मैंने सालन क्या बनाया है। उसको पीसकर जो है ना मैंने सालन बनाया, बहुत ही बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चावल लड़ा दिया था कुकर में, तो चावल भी हो गए हैं तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, सालन भी हो गया है तो बस मुझे अभी गैस को ऑफ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सालन कैसे बनाया है। तो देखिए
तो मैंने ना ये वाला बनाया है चिकन, सॉरी गोश्त का पिसा हुआ सालन। और मैंने बहुत मात्रा इसकी रेसिपी शेयर की है, आप अगर पुराने ब्लॉग देखोगे ना उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए, तो बन गया है। मैं अभी गैस को करूँगी ऑफ और इसको मैं ढक दूँगी। और अभी बस दो तीन रोटी और रह गई है, वो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अभी फटाफट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया, मेरा ना फ़ोन आया था, मेरे भाई बहन ग्रुप कॉल में थे और मैंने ग्रुप कॉल को इग्नोर भी किया था, क्योंकि मुझे अभी ना पैकिंग करनी थी। वह लोग समझ भी गए थे कि मुझे पैकिंग करना है, ऐसे मैं नहीं उठा रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने ना दोबारा वापस मुझे ज्वाइन करने के लिए वापस मैसेज भेजा, यानी कि फिर से कॉल किया, तो मुझे उठाना पड़ा। फिर तो बात करते करते भी टाइम भी हो गया। तो अब मेरा खाना बना है, तो चलिए अब मैं देर नहीं करूँगी, मैं फटाफट करूँगी अपनी पैकिंग। सबसे पहले ना मैं कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद में बैग में डालूँगी। और मुझे ना ये वाले बेड में से निकालना है जो बच्चों के जैकेट वगैरह हैं, और मैंने उनको ना अभी तक यूज़ नहीं किया था, सारे नए हैं। तो मैं इसमें से जैकेट वगैरह पहले निकालूँगी, उसके बाद हम बैठ के प्रेस करेंगे। उसके बाद बैग में डालने की जिम्मेदारी हस्बैंड की रहेगी, क्योंकि मैं से ना थोड़ा सा ऐसे होता है कि जगह कम पड़ जाती है मुझे, तो हस्बैंड डाल देंगे, मैं साइड से निकाल करके रख दूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर जो है ना मैं बैठी हूँ प्रेस करने के लिए। और ये जो पैकिंग है ना, ये मेरी रात को 12-1 बजे तक चली है। इस लॉक को मैंने फिर बाद में कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे ना एक वीडियो की एडिटिंग भी करना था, उसके बाद सारी पैकिंग करना था। तो मुझे जो है ना वीडियो की एडिटिंग करके रात को सोने तक जो है रात के 4 बज गए थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं किया है। तो बस अभी जो सुबह में पहनने वाले कपड़े हैं ना, बस मैं इनको प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद में जो पैकिंग वाले कपड़े हैं वो सारे प्रेस करके बैग में डाल दूँगी। और अभी मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि अगर वो आएँगे तो हम लोग खाना खाएँगे, उसके बाद जो आगे की पैकिंग है वो करेंगे, क्योंकि अभी मुझसे अकेले हो नहीं रहा है। तो इस व्लॉग में आपको पैकिंग देखने नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरा डायरेक्टली जो है मैं गांव जाने वाला बनाऊंगी। तो आने वाले व्लॉग का वेट कीजिएगा। व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।